हेलो भाई, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिया है और आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है बिना छिलका वाले, और चावल मैंने बहुत ही बारीक वाले लिए हैं। ये देखिए, अब इनको मैं अच्छे 4-5 पानी में अच्छे तरह से वॉश कर लूँगी। तो देखिए, मैंने चावल को और मूँग की दाल को अच्छी तरह से 4-5 पानी में मैंने वॉश कर लिया है। तो चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस मैंने चालू कर लिया है, कुकर हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम 1/4 कप हम तेल लेंगे और 1 चम्मच हम शुद्ध घी लेंगे। अब इसे हम मेल्ट हो जाने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें मैंने 5 लौंग ली है, काली मिर्च लिया है मैंने 10-12, जीरा लिया है मैंने 1 चम्मच, और मैंने तेज पत्ता लिया है 2, और बड़ी इलायची लिया है मैंने, और 4 मैंने छोटी इलायची ली है। तो इन सबको इसमें हम डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मसाले मेरे अच्छी तरह से क्रैकल हो गए हैं। अब इसमें मैं ग्रीन चिली डालूंगी। मैंने 3 ग्रीन चिली को मैंने स्लिट कर लिया है, और ये अदरक को मैंने क्रश कर लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। एक ये मैंने प्याज 1 ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक, इसे भी हम डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से भून गई है, गुलाबी हो गई है। देखिए, इसमें अब हम ये मैंने 1 कटोरी मटर लिया है, डाल देंगे इसमें हम। आलू लिया है मैंने 1 बारीक चॉप कर लिया है, मतलब टुकड़ों में मैंने चॉप किया है। गाजर लिया है मैंने, इसे भी मैंने टुकड़ों में चॉप कर लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी ली है मैंने 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन्हें भी साथ में हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम मूंग दाल डाल देंगे। चावल डाल देंगे, ये बासमती चावल है, इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, खुशबू वाले चावल। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। चावल भी हमारे बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें मैं 6 कप पानी डाल दूंगी, तो 1 कप ये है और 5 कप पानी ये है, मिक्स कर लेंगे। और अब हम नमक लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार हम लेंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब 2 सीटी होने तक इसे हम पका लेंगे। देखिए, मैंने 3 सीटी कर ली है, गैस मैंने बंद कर दिया है। देखिए, खिचड़ी हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखिए, 3 सीटी में परफेक्ट खिचड़ी बन गई है। देखिए, कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया खिली खिली खिचड़ी हमारी बन के तैयार हुई है। तो अब हम तड़का बना लेते हैं प्लेटिंग करके। देखिए, गैस हमने चालू कर ली है, पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं घी ले लूँगी 1 बड़े चम्मच,
दो चम्मच ले लेते हैं। आखिर पोंगल खिचड़ी बन रही है तो अच्छी बनना चाहिए। इसे अब हम मेल्ट हो जाने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम हाफ चम्मच हम हींग ले लेंगे। मैंने 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 2 रेड चिली लिया है, काजू लिए हैं मैंने, किशमिश लिया है। अब इन सब को इसमें हम डाल देंगे, एक तड़का हम अच्छा बना लेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हमको तड़का तैयार करना है। देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, अब ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करेंगे। देखिए जो मैंने तड़का बनाया है ना ये, तो इसके ऊपर हम फोर कर देंगे अच्छी तरह से, तड़का लगा देंगे अपनी पोंगल खिचड़ी पे। ये संक्रांति स्पेशल हमारी पोंगल खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप लोग भी अपने घर में बनाएं, और मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी मकर संक्रांति। गाइस बनके तैयार है हमारी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारी मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।